Hello everyone, this is Surbhi Goyal. Welcome to my channel Easy Learning with Surbhi. So, आज मैं आपको सिखाने जाऊंगी ऐसी ग्रामेटिकल एरर्स जो हम जाने अनजाने शुरू से बोलते आ रहे हैं. ये कई बार अनइंटेंशनल होती हैं. हमें लगते आ रहा है कि ऐसे ही सेंटेंसेस को कहा जाना चाहिए, बट एक्चुअली ये गलत है. जैसे कि मैम, गुड मॉर्निंग मैम. MAM, is it right or wrong? It is wrong. It should be ma'am. MA'AM, ma'am. So ऐसे ही कुछ बहुत सारी mistakes जो हम बोलते वक्त करते हैं, ऐसे ही मैं sentences आज अपनी मैं इस video में लेकर आई हूँ. Make sure आप video end तक देखें ताकि कोई भी doubt ना रहे. और अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो आप अभी मेरे channel को subscribe कर दीजिए ताकि मैं जब भी आऊँ आपको पता चले. तो चलिए let's get started. This is one of the best hotel. Wrong. This is one of the best hotels. बहुत सारी चीज़ों में से हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर हुआ, और जब बहुत सारी चीज़ों में से निकाल रहे हैं तो मानिए मैंने होटल्स में से पिक कर रही हूँ, ना कि होटल में से. एक होटल तो एक ही है ना. बहुत सारी चीज़ों में से पिक कर रहे हैं तो होटल नहीं आएगा, होटल्स आएगा. ऐसा ही एक और सेंटेंस, दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स. ऐसे स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं, उन्हें लग रहा है बुक्स बोला जा रहा है, यानी कि ये प्लूरल है तो वर्ब तो इसमें आर ही आना चाहिए. नहीं, यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, बुक्स में से एक की बुक की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है. तो क्या आएगा, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स. महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन. Man is singular. Man का plural है men. बहुत सारे इंसानों में से एक महान इंसान, महान पुरुष. तो क्या कहेंगे, महात्मा गांधी was one of the greatest men. Next sentence देखते हैं, He is a most confident person. The answer is, He is the most confident person. अब यहाँ the क्यों आया, a क्यों नहीं. मोस्ट यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है. इंग्लिश में डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. जैसे कि ब्यूटीफुल इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव क्या हुआ, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल. और सुपरलेटिव डिग्री जब आती है उसके साथ हम आर्टिकल ए या एन नहीं लगाते, द लगाते हैं. तो इसीलिए इसमें क्या आया, द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन. Did you see that movie? क्या तुमने वो मूवी देखी. मूवी के लिए हम सी नहीं बोलते, वॉच बोलते हैं, देखना, वॉच. तो उसे क्या कहेंगे, Did you watch the movie? He is my cousin brother. बहुत अक्सर करी जाने वाली मिस्टेक, He is my cousin brother. तो ये क्या है, He is my cousin brother नहीं, क्योंकि हम ही लगा रहे हैं, ही यानी कि हम मेल्स की ही बात कर रहे हैं, तो ही इज़ माई कज़न. ऐसा ही एक और सेंटेंस है, शी इज़ माई कज़न सिस्टर. अब इसे आप करेक्ट कीजिए, शी इज़ माई कज़न सिस्टर. राइट इट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, आई होप यू हैव रिटन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आकाश वॉज बोरिंग इन द क्लास. आकाश क्लास में बोर हो रहा था. बोर होने को हम बोर्ड बोलते हैं. आकाश वॉज बोर्ड इन द क्लास, आकाश क्लास में बोर हो गया था. बोरिंग मतलब खुद में एक जो इंसान जो बोरिंग होता है, पकाने वाला इंसान, दैट इज बोरिंग, उसको बोरिंग बोलते हैं. निकी इज मैरिड विद अ डॉक्टर. क्या लगता है, क्या मिस्टेक है, निकी इज मैरिड टू अ डॉक्टर. जब किसी के साथ शादी के लिए हम यूज़ करते हैं, वो लॉयर के साथ उसकी शादी हुई है या डॉक्टर के साथ उसकी शादी हुई है, तो हम के साथ के लिए विद नहीं, टू लगाते हैं. अब एक ऐसा ही सिमिलर सा सेंटेंस है जिसमें लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे मैंने कहा, आई एम मैरिड विद टू किड्स. अब वो क्या सोचते हैं, क्या आपकी दो बच्चों के साथ शादी हो गई है, मतलब ये आप गलत बोल रहे हैं.
नहीं, इसका मतलब क्या है? आई एम मैरिड विथ टू किड्स, मतलब मैं शादीशुदा हूँ और मेरे दो बच्चे हैं, तब हम ये सेंटेंस लगाते हैं। लेकिन जब आपकी किसी के साथ शादी होती है तो हम विद नहीं, टू लगाते हैं। देयर इज मैनी फूड इन द फ्रिज। फूड नाउन है, लेकिन क्या फूड को हम काउंट कर सकते हैं? 1, 2, 3 फूड, 2 फूड, राइट? नहीं, जो नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए हम मैनी नहीं मच लगाते हैं। देयर इज मच फूड इन द फ्रिज। और एक सेंटेंस, देयर आर सो मच कॉइन्स इन माई वॉलेट। मच कॉइन्स, देयर आर सो मैनी कॉइन्स इन माई वॉलेट। कॉइन्स, सिक्के, इन्हें हम गिन सकते हैं, 1 coin, 2 coin, 3 coin। तो ये इसके साथ हम मैनी लगाएंगे, मैनी हम नाउन्स के साथ जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कुछ लोग किसी नाउन के आगे एस लग गया है या ई एस लग गया है तो उन्हें क्या लगता है कि ये प्लूरल है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का सिंगुलर क्या माना गया? इकोनॉमिक। पर नहीं, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये क्या हैं? सिंगुलर हैं। ऐसे ही कुछ और नाउन्स देखते हैं। पॉलिटिक्स आर सीन एवरीवेयर। तो पॉलिटिक्स दिखने में क्या लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन हम इसे एज सिंगुलर ही काउंट करते हैं, एज सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ लगाएंगे। पॉलिटिक्स इज सीन एवरीवेयर, इज। द न्यूज़ वर सरप्राइजिंग। रॉन्ग, द न्यूज़ वर सरप्राइजिंग। न्यूज़ चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, न्यूज़ ही कहेंगे, राइट? न्यूज़ दिखने में प्लूरल लग रही है लेकिन है ये सिंगुलर। पुलिस वॉज चेजिंग द थीफ। द पुलिस वर चेजिंग द थीफ। पुलिस प्लूरल ही माना जाता है। आई कॉट 3 फिशेज यस्टरडे। क्या गलत है? आई कॉट 3 फिश यस्टरडे। जी हाँ, फिश का सिंगुलर प्लूरल फिश ही होता है। अब मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बताऊँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा, फिश का फिश ही रहता है, सिंगुलर प्लूरल फिश ही होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, अब बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, फिश जो सेम एक तरीके की, सेम प्रजाति की हैं, सेम स्पीशीज की फिश हैं, तो उन्हें हम फिश ही कहेंगे। लेकिन जो अलग अलग प्रजातियों की फिश हैं तो फिशेस कहेंगे, ठीक है? लेकिन हम फिश को फिश ही कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात कर रहे होते हैं। द विलेज फॉक इज सिंपल। गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। द विलेज फॉक आर सिंपल, आर। अब ऐसे वर्ड जो अक्सर गलत बोले जाते हैं और इनको गलत समझा जाता है। दिस स्पेक्टिकल इज नो गुड। रॉन्ग, दीज स्पेक्टिकल्स आर नो गुड। कभी भी स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स, और इनको हम प्लूरल ही काउंट करते हैं। भले ही वो स्पेक्टिकल्स एक है पर उसके साथ हम आर या वर, प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। उसी तरीके से ट्राउजर्स, ना कि ट्राउजर, ट्राउजर्स। अब इसे आप प्लूरल में कैसे कहेंगे कि मैंने कल एक ट्राउजर खरीदा या दो ट्राउजर खरीदा, तो आप ऐसे कि नहीं बोलते, आप बोलेंगे आई बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। दो हैं तो आई बॉट टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, या आई बॉट 3 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। सेम वेज आप सीजर्स के साथ भी कह सकते हैं, आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स, आई बॉट 3 पेयर्स ऑफ सीजर्स। आई लव वर्ड्स वर्ड्स पोएट्रीज। पोएट्रीज नहीं होता, कलेक्शन ऑफ पोएम्स को पोएट्री बोलते हैं, ठीक है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स को पोएट्री, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता, पोएम का पोएम्स हो सकता है, ठीक है? तो क्या आएगा, आई लव वर्ड्स वर्थ पोएट्री। हर हेयर आर ब्राउन। रॉन्ग, हर हेयर इज ब्राउन। हेयर मतलब हम जो सिर पे पूरे ओवरऑल बालों की बात कर रहे हैं, तो बाल, ठीक है, बालों की नहीं एक्चुअली, बाल, तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। लेकिन जब हम कुछ बालों की बात कर रहे हैं तब उसको हम एस लगा देंगे हेयर के साथ, एस। जैसे हिज ग्रे हेयर्स आर क्लियरली विजिबल। ग्रे हेयर्स आर क्लियरली विजिबल। नो बडी हैव पेड द रेंट।
Nobody, ये सिंगुलर है, किसी ने भी, सिंगुलर, तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा. Nobody has paid the rent. Every student answered the question. Every student answered the question. हर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन का आंसर दिया, तो ये भी सिंगुलर है. I and he are brothers. Wrong. He and I are brothers. I और he ये pronouns हैं. Pronouns में हम third person को पहले लाते हैं, तो he क्या है? Third person है. I क्या है? First person है. तो third person को पहले, फिर first person को, और तब sentence पूरा होगा. He and I are brothers. The actor and writer were dead. क्या गलती है? The actor and writer was dead. यहाँ पर मैंने the पहले ही लगा दिया. The actor and writer मतलब यहाँ पर मैं एक ही इंसान की बात कर रही हूँ, तो ये singular है. अब ऐसा ही आगे sentence. The actor and the writer was dead. अब क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों के साथ एक्टर और राइटर को मैंने द के साथ लगा दिया है, द एक्टर द राइटर, यहाँ पर मैं दो जन की बात कर रही हूँ, एक की नहीं, तो क्या आएगा? वर, ना कि वॉज. वॉज आता है सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ आता है वर. प्लीज काइंडली हेल्प मी, आप इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ भी रिक्वेस्ट के लिए है, काइंडली भी रिक्वेस्ट के लिए है, तो दोनों में से एक ही यूज़ करेंगे. या क्या बोलेंगे? प्लीज़ हेल्प मी और काइंडली हेल्प मी. प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, बट दोनों साथ में नहीं यूज़ होंगे. ऐसा ही एक और सेंटेंस, आई डोंट नो नथिंग. जहाँ पर नॉट आ गया सेंटेंस में, वहाँ पर नथिंग नहीं आएगा, क्योंकि नथिंग अपने आप में ही एक नेगेटिव है. तो क्या आएगा? I don't know anything. मुझे कुछ नहीं पता. या हम इसे कैसे बोल सकते हैं? I know nothing. अभी के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और उन लोगों से शेयर करें जिन्हें इस लेसन की ज़रूरत है. और देखिए, जाने से पहले प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये लेसन कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रामर से ही रिलेटेड अब अपने लेसन लेकर आऊँ, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं अपना जो नेक्स्ट कॉन्टेंट तैयार करूँ तो मैं उसी के बेस पर करूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन. टाटा.